न्यूज में मैं मुनीष शर्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समर्थ भारत न्यूज के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम हमने दिया है किसमें कितना है। आपको बताना चाहेंगे ये मुहिम जो है आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर है, और नगर निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी आवेदन करते हैं या जनता के बीच में जाना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और क्या वो करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए। अगर वो वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं तो वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं, और अगर वो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने पूरे मेयर के अंतर्गत आने वाले रुड़की क्षेत्र के लिए क्या विचार है उनके, और किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाकर क्या बातें रखेंगे। इन सब चीजों को लेकर हमने एक मुहिम चलाई है किसमें कितना है दम। तो आज हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा और गरीबदास एंड संस, जी हां, रुड़की की जानी मानी प्रतिष्ठित स्टेशनरी की जो एक शाखा है गरीबदास एंड संस के ओनर कुणाल सचदेवा जी। कुणाल जी स्वागत है। नमस्कार मैं जी। कुणाल जी सीधे सीधे आ जाते हैं, सर्वप्रथम तो जिस प्रकार से भाई नगर निकाय चुनाव अभी थोड़ा हुआ पहुंच चल रही है कि कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन होने निश्चित है, तो आपसे जानना चाहूंगा क्या आप नगर निकाय चुनाव में किसी भी रूप में अपना भाग्य आजमाएंगे। हाँ, हम क्यों नहीं अजमाएंगे, हम पार्षद के रूप में अजमाएंगे जी। तो मतलब अगर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे तो जानना चाहूंगा कि पार्षद का चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ेंगे, या अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट किसी और प्रत्याशी को देती है तो निर्दलीय भी लड़ेंगे, ऐसा कुछ मन में विचार है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा है जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं उससे लड़ूंगा। अगर मान लीजिए किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब सही, आपका निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन नहीं नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा कुणाल जी, जानना चाहूंगा कि वार्ड कौन सा आपने घोषित किया, कौन सा वार्ड चुना है आपने, कौन से वार्ड से आप जो है इस बार चुनाव में जाना चाह रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 27 से मकतूलपुरी से लड़ना चाहूंगा जी। तो वार्ड नंबर 27 में जो है आप तैयारी कर रहे हैं इस बार? तैयारी कर रहा हूं पूरी। तो देखिए भाई, बातें तो सब यही करते हैं, सब चीजें भी यही रहती हैं कि आप करेंगे क्या, करना क्या है, प्रायोरिटी क्या है, तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहूंगा आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड, जी हाँ, वार्ड नंबर 27 में क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बात करेंगे? देखिए मुनीष जी, हर वार्ड में जल निकासी, नाली की सफाई, बिजली, सड़कों की दिक्कत तो है ही, लेकिन मेरा मेन मकसद रहेगी अपने अपने वार्ड की सुरक्षा करना। यानी कि जैसे आपको पता है कि हर 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 वार्ड में या हर जगह में क्राइम होते रहते हैं, चैन छीनते रहते हैं, अगर मुझे मेरे वार्ड वालों ने, वार्ड के सम्मानित लोगों ने मुझे मौका दिया तो मेरा पहला मकसद रहेगा अपने वार्ड की सुरक्षा, यानी कि हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाना। मतलब जो वार्ड का आपका वार्ड क्षेत्र होगा भाई, किसी तरह का कहना है कुणाल जी का कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, यही कहना चाह रहे हैं। तो भाई इनका कहना यह है कि देखिए, हम लोगों से बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो ये बात तो सभी कहते हैं कि भाई सड़कों की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्याएं हैं या लाइट बिजली की समस्याएं, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा इनके द्वारा रखा गया है कि अपने वार्ड की सुरक्षा, और उस सुरक्षा को लेकर जो इनका जो विचार है, जो इनके मन में विचार आया वो ये है कि अपने वार्ड के हर चौराहे पर, हर चौक पर सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराना। जी आगे बताइए, और कुछ इस पर, इससे आगे कुछ और सोचा हो? देखिए मनीष जी, प्लानिंग तो हमारे पास बहुत है जी। इससे बाद में अगला मुद्दा रहेगा हर चौराहे पे अपना शिकायत पत्रिका लगाना, जिससे कि हाँ पेटिका लगवाना हर चौराहे पे, ताकि हमें पता चल सके हमारे वार्ड में समस्या क्या है, और उस समस्या को 24 घंटे के अंदर इलाज करना, यानी कि समस्या का प्रदान करना। मतलब अगर इस प्रकार की व्यवस्था, जी हाँ, इस प्रकार की व्यवस्था भी करना चाह रहे हैं कि जो वार्ड रहेगा उसके हर चौराहे पर एक सुझाव पेटिका या शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसमें जनता जो है, जो वार्ड वासी हैं, अपने सुझाव उस पेटिका में डालें, और वो सुझाव जो है या शिकायतें जो भी होंगी उनका निस्तारण जल्द से जल्द नगर निगम के द्वारा कराया जाए। ये आप लोग, ये आपकी प्रायोरिटी रहने वाली। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मान लीजिए जिस प्रकार से अगर कोई शिकायत या सुझाव आते हैं और पेटिकाएं लगाई जाएंगी चौराहे पे, मैं सीधा सा सवाल लूंगा क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला पत्रकार हूं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि उनका निस्तारण करने के लिए क्या आपके पास टीम रहेगी कि भाई डेली के डेली इन पेटिकाओं को खोलो, उनके अंदर जितने भी शिकायत पत्र हैं या सुझाव पत्र हैं उनको निकालो पढ़ो, इसके लिए टीम की व्यवस्था की जाएगी? टीम की व्यवस्था की जाएगी, और जो जैसा आप, जिसने यानी 12 घंटे के अंदर
अंदर अंदर उस पेटिया के जो शिकायत होगी वो मेरे पास आएंगी और उसे हम जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी आप वादा तो कर रहे हैं और बहुत अच्छा वादा है कि भाई इस प्रकार से चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है शिकायतें तो बहुत होती हैं और सुझाव भी बहुत होते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता। आप तो जल्द से जल्द की बात करें, सालों साल बीत जाते हैं अमल नहीं हो पाता, तो क्या इस प्रकार का जो है आप कदम उठा पाएंगे या आप इसमें कैपेबल है कि करवा पाएंगे ये सब कार्य? बिल्कुल करा पाएंगे, क्यों नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ की यहाँ जो हमारे रूट के जो प्रतिनिधि हैं बहुत एक्टिव हैं और कंडेबल हैं, तो जरूर हुआ क्यों नहीं हुआ। कौन से प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं? सारे ही हैं जो भाजपा के हैं, सारे सब एक्टिव हैं, सभी काम करते हैं, चाहे इसमें हमारे मयंक गुप्ता जी हैं, चाहे हमारे विधायक जी हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, और मतलब जो भी हमारे प्रतिनिधि सब एक्टिव हैं और जल्द से जल्द निवारण हुआ ऐसा नहीं। भाई भाई इनका कहना यह है कि कोशिश तो रहेगी कि भाई जल्द से जल्द यह समस्याओं का निवारण किया जाए। आ जाते हैं चुनाव पर, तो तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया, आपने बातचीत अपनी रखनी शुरू कर दी? हाँ रखनी शुरू कर दी हमने, लोगों से बातचीत होनी। हाँ हमारे वार्ड में हम जाते हैं और बुजुर्गों का हम बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ की जो जनता है हमें बहुत प्यार कर रही है और बातचीत आपने रखनी। हाँ जी रखनी शुरू कर दी है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब लोग बात क्या करें, जैसे मान लीजिए आपने बातचीत की होगी 10-20-50-100 जितने भी लोगों से की होगी, रिस्पॉन्स क्या मिल रहा, क्या करें, चुनाव लड़ना चाहिए आप? हाँ बिल्कुल सब लोग मेरे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सब मुझे कह रहे हैं लड़े, क्योंकि यहाँ की जो जनता है नया चेहरा चाहती है और मैं समझता हूँ कि मेरे से अच्छा नया चेहरा यहाँ नहीं है और मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे सब कह रहे हैं कि लड़ो। तो मतलब इस बार लड़ेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के? बिल्कुल 100%। तो ठीक है भाई, देखिए कुणाल जी का कहना यह है कि इन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी शुरू कर दिया, और जिस प्रकार से है या नहीं जताती है, टिकट इनको मिलता है या नहीं मिलता है, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन हाँ अगर पार्टी भरोसा जताती है तो कुणाल सचदेवा इस बार वार्ड नंबर 27 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो कुणाल जी हम लोग आपको अग्रिम बधाई देंगे कि भाई आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़े। अपनी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं या अपनी पार्टी के जो आला कमान है या जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आप पार्टी के जो पदाधिकारी या आला अधिकारी उनसे कुछ कहना चाहें, उनसे कुछ अपील करना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, वार्ड इस बार मुझे मौका दें वार्ड नंबर 27 से, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो वार्ड नंबर 27 से विजयी करके मैं उनकी झोली में ये सीट गिरूंगा। मुझे लगता है पिछली बार शायद भाजपा की सीट नहीं, भाजपा की झोली में नहीं थी, नहीं निर्दलीय थी, निर्दलीय थी। तो भाई एक वादा भी किया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, अपील भी की है कि इनके ऊपर भरोसा जताएं, अगर इनके ऊपर भरोसा जताते हैं तो यह सीट वार्ड नंबर 27 की जो सीट है पार्षद पद की, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। जनता से कुछ कहना चाहें? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें और मुझे मेरा पर हाथ रखें, आशीर्वाद करें, आशीर्वाद दें और मुझे एक बार सेवा मौका जरूर दें। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुणाल सचदेवा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है बेबाकी से, और बेबाकी से हमने सवाल भी इनसे किए हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और अगर पार्टी इन पर भरोसा जताती है तो चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी भरोसा नहीं जताती है, चुनाव जिन किसी और को मिलता है तो अपने उस सहयोगी का सहयोग भी करेंगे, ये कहना है कुणाल जी का। तो इस प्रकार की सभी खबरें चुनाव से संबंधित, नगर निकाय चुनाव से संबंधित खबरों को दिखाने के लिए जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ, हमारी मुहिम के साथ जिसका नाम है किसमें कितना है दम। तो जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ, अपने सहयोगी अनुप सैनी के साथ, मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।